नमस्कार साथियों, कंगना रनावत जो कि लगातार हर मुद्दे पे ट्वीट करते रहती हैं और अपनी बात को बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलती हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, बॉलीवुड का मामला हो, राजनीति का मामला हो, पिछले कुछ दिनों से जो बंगाल में चल रहा है, चुनाव के बाद जो हिंसा वहाँ स्टार्ट हुई है, आगजनी स्टार्ट हुई है, कल ही वहाँ पर करीब 9 कार्यकर्ताओं को मारा गया है बंगाल में, कई घरों को जला दिया गया है। इस पर सोशल मीडिया पे कल से ही एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा था, जिसमें कंगना रनौत काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके अपने ट्वीट्स में सारी बातें लिख रही थी और इस आवाज़ को उठा रही थी। अब इसमें एक नया मामला ये आ गया कि ट्विटर ने कंगना रनौत का अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया, यानी कि राष्ट्र के बारे में और सच्चाई के बारे में जो बात करे उसको ट्विटर सस्पेंड कर देगा। और ट्विटर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप उनकी पॉलिसी के अनुसार बात करें, आप अपनी बात नहीं कर सकते हैं। कंगना रनौत जो लगातार हर मुद्दे को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उठाती है और बंगाल के चुनाव में उनका जो एक हमेशा उन्होंने वहाँ के हर छोटे छोटे विषय को भी उठाया है और जिस प्रकार से चुनाव के बाद हिंसा वहाँ भड़की है, कंगना ने इस बात को सोशल मीडिया पर हर ट्वीट में रखा है, कई ऐसे वीडियो शेयर किए जिसमें घर को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है, भाजपा कार्यालय को आग लगाते हुए दिखाया जा रहा है। इन सब विषयों पे कंगना ने अपनी बात रखी थी और कंगना के करीब 3 मिलियन फॉलोअर हैं और इसके बावजूद कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जब अपनी बात हम रखते हैं और अगर बात को बहुत दूर तक पहुँचाना है तो फॉलोअर्स की बहुत ज़रूरत है और 3 मिलियन फॉलोअर थे, तो उसके बावजूद भी कंगना का अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ मत बोलिए, चुप रहिए और जो हो रहा है वो होने दीजिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कंगना का अकाउंट फिर से वापस आएगा और जल्दी ही वो फिर से एक नए अंदाज में फिर से अपनी बात को रखेंगी और कभी पीछे नहीं हटेंगी। जय हिंद।